हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको पिंपल हो जाए तो आप उसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यार आजकल तो देखो सबको रातों रात पिंपल हो जाता है, और पिंपल होता कब है? अगर हमें कल पार्टी में जाना है तो आज ही पिंपल होगा। ये पिंपल की आदत होती है कह लो, तभी पिंपल होगा। और जो बच्चे जो अपने टीनेजर्स में है, टीनेजर के बहुत ज्यादा पिंपल होते हैं, पूरे पूरे फेस भर जाता है। बट मेरे को पिंपल नहीं हुआ क्योंकि ये जेनेटिक है। जिसके पेरेंट्स को उनके टीनेज में हुआ होता है पिंपल, उनके बच्चों को भी होता है, और किसी किसी के भी खुद से भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को नहीं हुआ तो बच्चे को नहीं होगा, बट चांसेस ये होते हैं कि अगर पेरेंट्स को नहीं हुआ तो बच्चे को भी नहीं होगा। तो देखो यार, अगर आपको पिंपल होना स्टार्ट होता है जब आपके फेस पे या कहीं पे भी पिंपल स्टार्ट होता है तो आपको पता तो लग ही जाता है कि यहाँ पे पिंपल स्टार्ट। तो होता क्या है, वहां पे थोड़ी सी रेडनेस स्टार्ट हो जाए। जैसे मान लो ये मेरे यहाँ पे आ रही, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें जब पिंपल स्टार्ट हो रहा है तभी उसको बढ़ने से रोकना है। अगर पिंपल पूरा हो गया तब उसको हम नहीं खत्म कर सकते, तब तो वो खुद ही खत्म होगा, बट हमें उसे शुरुआत में ही रोकना है। अब आपका सोच रहे हो कि पिंपल बड़े बड़े से हैं, मतलब लाइक एक होता है पक जाते हैं पिंपल, तो पके ना हो, रेडनेस हो जब तक, तब तक उन्हें हम सही कर सकते हैं। जो नवे पिंपल निकल रहे हैं उनको रोका जा सकता है। जैसे कि अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ भाई मेरे यहाँ पे पिंपल होना स्टार्ट हो रहा है, तो आपने करना क्या है, लेना है एलोवेरा जेल, कोई सा भी एलोवेरा जेल ले लो, और हल्दी। तो एलोवेरा जेल और हल्दी को आपस में मिक्स कर लो। हल्दी वही किचन वाली यूज करनी है जो आपके किचन में होती है, और उसको रात को लगाना है, और रात को लगा के सो जाना है। मॉर्निंग में उठ के पानी से, नॉर्मल पानी से फेस धो लेना है। तो अब ये एलोवेरा जेल और हल्दी कैसे आपके फेस पे पिंपल पे काम करेगी वो जानना भी जरूरी है। तो पिंपल होता क्यों है, शरीर में गर्मी की वजह से पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। बट जो एलोवेरा जेल है वो प्राकृतिक तौर पर ठंडा है, और हल्दी एक एंटीसेप्टिक है। तो ये इन दोनों को आपस में जब हम उस पर लगाएंगे तो ठंडक मिलती है, उस ठंडक से वो हो जाता है सूख, तो पिंपल उस पर ही खत्म हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको पिंपल या फिर छोटी सी फिंसी वगैरह फोड़े वगैरह निकल रहे हैं, तब उसका भी एक दूसरा इलाज भी है। दूसरा इलाज ये है कि आप काली मिर्च ले लो। काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर, जिनको नहीं पता हिंदी में, तो ब्लैक पेपर लेना है, उसको पीस डालो, या तो फिर उसका पाउडर ही ले लो, पाउडर ले लो ज्यादा बेटर है। तो आपने पाउडर लेके क्या करना है, पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जैसे उसका पेस्ट बन जाए, इतना पेस्ट बन जाए कि मतलब रुक जाए वो, जहां पे हम रखें उसे वो वहां पे रुक जाए। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पिंपल निकल रहा है तो मैं यहाँ पे उसको लगा लूंगी, और उसको रात भर के लिए सेम उसी तरह छोड़ देना है। और वो पर जो काली मिर्च है वो जलन करेगी, जो जलन करेगी तो मतलब वो इफेक्ट कर रही है आपके पिंपल पे, वो जलन करेगी थोड़ी देर तक, आधे घंटे एक घंटे जलन करेगी, ज्यादा ज्यादा 10-15 मिनट भी हो सकता है कि 10-15 मिनट ही जलन करे, उसके बाद आपको सो बैठा देना। मैं गारंटी लेती हूँ रात भर में आपका पिंपल ठीक हो जाएगा, बट कंडीशन ये है कि वो पिंपल स्टार्टिंग वाला होना चाहिए, मतलब बस निकल रहा हो। अगर आपका पूरा कम्प्लीट पिंपल निकल चुका है तो उसको टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, मतलब एक रात और दूसरी रात भी लगेगी, तब जाके आपका पिंपल ठीक होगा। कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, मैं उस पर बनाऊंगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर मिलेगी आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भर भर के शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।